डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ निश्चित रूप से, और मुझे पूरा ऐसा लगता है कि आपको अभी तक ये एस्पेक्ट किसी भी स्कूल, कॉलेज या इवन कोचिंग क्लासेस में नहीं बताया गया होगा। जब से हमने अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू किया है तो आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि जो वर्ब्स होती हैं उन वर्ब की एक बेस फॉर्म जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, साथ में थर्ड पर्सन सिमिलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की बेस फॉर्म में एज पर रूल एस या ईएस जोड़ते हैं। साथ एक पास्ट फॉर्म जिसे सामान्य बातचीत हम लोग सेकंड फॉर्म कहते हैं, और इन रेगुलर वर्ब्स में जनरली डी या ईडी जोड़ने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। कुछ वर्ब जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो अलग तरीके से उनकी सेकंड फॉर्म बनती है, लेकिन सामान्यतया या कहना चाहिए अधिकांश वर्ब में हम डी या ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म बनाते हैं। ठीक ऐसे ही जिसे सामान्य बोलचाल में थर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल इसका जो नेम है यानी ग्रामर के आधार पर वह है पास्ट पार्टिसिपल जो सामान्य बातचीत में थर्ड फॉर्म कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स में वर्ब में डी या ईडी जोड़ देने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका एक अलग रूल है। मैं यहां बात कर रहा हूं वे वर्ब्स जिनमें डी या ईडी जोड़कर सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, और एक होता आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो क्या आपको मालूम है कि जब हम लोग डी या ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इनका प्रोनंसिएशन किस तरीके से किया जाता है? जी हां, ये एस्पेक्ट आज तक आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया गया होगा, और शायद ही आपको किसी कोचिंग क्लास में किसी टीचर ने भी बताया गया। लेकिन जो हमारी बुक है लर्न करेक्ट प्रोनंसिएशन, इसमें मैंने इसे काफी डिटेल में आपको समझाया गया है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जब हम रेगुलर वर्ड में डी या ईडी जोड़ देते हैं तो हम सामान्यतया इसका प्रोनंसिएशन हमेशा डे के रूप में ही करते हैं, इसका जो साउंड होता है वो डे के रूप में ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रोनंसिएशन तीन तरीके से होता है, जैसा कि आइए आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है और मैंने बहुत क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। जब किसी क्रिया यानी वर्ब में ईडी जोड़कर या डी जोड़कर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है तो इस डी या ईडी का जो प्रोनंसिएशन है ये निम्न तीन तरीके से होता है। आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, लेकिन ये सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट है। इन्हें सबसे ज्यादा निग्लेक्ट इसी को किया जाता है। स्कूल कॉलेज में तो इवन हमें सही उच्चारण के बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती है। तो जब कभी भी आपको ईडी जोड़ा जाए, पहले मैं बात कर रहा हूं ईडी, या जिनमें पहले से ही है तो डी जोड़ा जाए, तो ध्यान दीजिए इस ईडी का प्रोनंसिएशन कुछ शब्दों में हमेशा होता है इट। मैंने क्लियर लिखा है इट, जैसे आपने यह शब्द सुना होगा, इसका प्रोनंसिएशन है क्राउडेड, पर ज्यादातर लोगों को जो मैंने सुना है वो बोलते हैं क्राउडेड, कहते हैं बहुत क्राउडेड एरिया है, ऐसे बोलते ना ब्रांडेड एरिया है, मतलब नॉट एरिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। क्लियर है? सो ब्रांडेड नॉट डेड, इट्स ब्रांडेड, एंड इट्स नॉट क्राउडेड, इट्स क्राउडेड। ये मैंने आपको यहां पर फ्रेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसका प्रोनंसिएशन दिया है, मीन्स इंटरनेशनल फ्रेटिक अल्फाबेट के आधार पर, जिनकी जानकारी मैंने इस वीडियो कोर्स के जो हमारी बुक का लर्न करेक्ट प्रोनंसिएशन उसमें पहले से ही दिया हुआ है। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलेंगे क्राउडेड, क्या बोलेंगे? क्राउडेड, नॉट क्राउडेड, यानी इसको ज्यादातर जो लोग उच्चारण करते हैं वो करते हैं क्राउडेड, ठीक, लेकिन ये गलत है, क्राउडेड। सो कब इसका प्रोनंसिएशन इड होगा वो मैं बताऊंगा। साथ में ऐसे बहुत सी वर्ब्स हैं जब उनमें डी या ईडी जोड़ा जाता है तो इस डे और ईडी का प्रोनंसिएशन ट होता है। देखिए मैंने यहां लिखा है ईडी एज टी मीन्स ट, यानी इसका जो साउंड है वो ट के रूप में प्रोनंसिएशन होता है। जैसे कि यहां पर एक शब्द मैंने लिखा है जो एक तरह से कहना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, फिक्स की सेकंड फॉर्म भी मान लीजिए और थर्ड फॉर्म भी मान लीजिए, तो ये होता है, ये सेकंड फॉर्म भी यही है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है। तो इसको अधिकांश लोग बोलते हैं फिक्स्ड ड, बट इट इज नॉट डे हियर, दिस
ED is being pronounced as te. So it is not de, it is fixed. Fixed te. देखिए हिंदी में मैंने क्लियर ये लिखा है fixed, 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 not de. तो अब ये कौन सी वर्ब्स हैं जहां पर ED का प्रोनंसिएशन te होता है, कौन सी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ED जोड़ने पर इसका प्रोनंसिएशन ईड होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जहां वाकई में ईडी का या डी का प्रोनंसिएशन डे होता है, जैसे प्ले. सो प्ले की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्लेड, तो यहां पर ये डे है. लेकिन सामान्यतः मैंने ये देखा है कि यदि ईडी अगर शब्दों के लास्ट में है तो इस ईडी को पहले वाले के साथ अपन एड करके बोल देते हैं, जबकि वो इड होता है. क्या होता है? इट. और बाकी टे तो हम प्रोनाउंस करते नहीं, ज्यादातर लोग ईडी या डी का प्रोनाउंसिएशन डे ही करते हैं, लेकिन बहुत सी वर्ब्स में इस ईडी का या डी का प्रोनाउंसिएशन टे होता है. तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी की पूरी जानकारी दे रहा हूं. आप ये जानकारी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जो भी आपके आसपास में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बताएं, क्योंकि इसमें 99.99% लोग इसे गलत तरीके से इसका उच्चारण करते हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर सेवरल टाइम्स, इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंप्रेसिव इंग्लिश देन यू मस्ट मास्टर द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज प्रोनंसिएशन मीन्स करेक्ट प्रोनंसिएशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ स्पोकन इंग्लिश. साथ में हमारी जो बुक है, जो मैं बार बार कहता हूं, लर्न करेक्ट प्रोनंसिएशन, इसमें इस तरीके के वर्ड्स की बहुत से जानकारी दी गई है जिनके प्रोनंसिएशन क्या होता है. तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ईडी का प्रोनंसिएशन इड कब होता है. तो आपके सामने मैंने यहां पर बहुत क्लियरली देखिए यहां पे लिखा है कि ईडी प्रोनाउंस्ड एज इट, ईडी प्रोनाउंस्ड एज इट, ओके, यानी इड के रूप में इसका प्रोनंसिएशन होना इड. ठीक. अब देखिए जब कभी भी कोई भी वर्ब का अंतिम अक्षर यदि टी और डी है, क्या है? टी और डी, साथ में इनका प्रोनंसिएशन भी टी का साउंड टे है और डी का साउंड डे है, तो जब कभी भी इनमें डी या ईडी एज पर रूल जोड़ेंगे तो फिर इनका प्रोनंसिएशन हमेशा क्या होगा? इड होगा. क्या होगा? इड. कभी भी एड या एट नहीं बोलेंगे, इड होगा. फिर सुन लीजिए, वे वर्ब्स जिनका अंतिम अक्षर लेटर टी और डी है, साथ में टी का साउंड टे और डी का साउंड डे है, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो डी और ईडी यदि जोड़ दिया गया तो इनका प्रोनंसिएशन इड होता है. आपके सामने मैंने यहां पर बहुत से शब्द दिए. अब देखिए पहला ही शब्द जो अधिकांश लोग गलत बोलते हैं, ये है ब्रांडेड. क्या है ये? ब्रांडेड. मैंने क्लियरली लिखा है ब्रांडेड, ब्रांडेड, नॉट ब्रांडेड, नो ब्रांडेड, पर 99% लोग इसे ब्रांडेड बोलते हैं, ब्रांडेड क्लॉथ्स, जबकि क्या है? ब्रांडेड. अमेरिकन प्रोनंसिएशन देखिए, ये ब्रिटिश प्रोनंसिएशन या अमेरिकन है, और अमेरिकन में भी ब्रांडेड. यहां पर ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोनंसिएशन एक जैसा ही है. साथ में यहां पर मैंने हिंदी में लिखा ब्रांडेड, डिड, डिड, ब्रांडेड. ठीक. अब आइए कमिट से, कमिट की सेकंड फॉर्म या ब्रांड की सेकंड फॉर्म था तो ब्रांडेड, अब कमिट की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर कमिटेड नहीं बोलेंगे, कमिटेड, कमिटेड, देखिए यहां पर कमिटेड, और ये मैंने यहां लिखा टिट, कमिटेड, क्योंकि ये टी और डी जिनका की साउंड टे और डे है, तो ईडी अगर जुड़ा हुआ है तो वो इड का प्रोनंसिएशन होगा, सो कमिटेड. ऐसे ही बोलते हैं कंजेस्टेड, कोई एरिया बहुत कहते ना यार वो तो मार्केट बहुत कंजेस्टेड है, तो नॉट कंजेस्टेड, इट इज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड, देखिए यहां पर टिड. लास्ट पर क्लियरली यहां पर मैंने लिखा है टिट, कंजेस्टेड. अब आइए क्राउड, क्या बना? क्राउडेड. और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और सेकंड फॉर्म भी है, क्लियर है? तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं, जो रेगुलर वर्ब्स हैं जहां पर डी या ईडी जोड़ने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है. तो अगेन देखिए, दिस इज क्राउडेड,
नॉट क्राउडेड, क्राउडिड, क्राउडिड। देन कहते हैं ना, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। तो हम लोग बोलते हैं टेड बिकॉज ये ईडी का प्रोनंसिएशन एड के रूप में करते हैं, पर ये गलत है। ये क्या होगा, इट, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ इट। सो अगेन इट इज डेडिकेटेड, आई एम डेडिकेटेड टू माई स्टडी। सो डेडिकेटेड क्लियर लिखा, देखिए टिड टिड टिड। देन आ रहा है डिजेक्टेड, जिसे कहते हैं ना हताश, निराश, उदास, डिजेक्टेड नॉट डिजेक्टेड। क्लियर। सो जो भी स्टूडेंट करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं, तो जिस दिन से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू किया था, चाहे एलकेजी यूकेजी से किया, सिक्स से किया, तो आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताई गई है, क्योंकि ये वर्ब की टाइम के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स है। जिसे हम लोग बीस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, देन पास्ट फॉर्म, देन पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इनका सही प्रोनंसिएशन देखिए, तो ये अगेन डिजेक्टेड, निराश, हताश, उदास। जो लोग अपने काम के प्रति डिवोट है, तो मुझे बोलते ना डिवोटेड, पर बोलते क्या है सामने, तो लोगों को आपने सुना होगा। आप खुद गौर कीजिएगा, मैं आप खुद इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और आप क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। तो अगेन इट इज नॉट डिवोटेड, इट इज डिवोटेड, डिवोटेड, डिवोटेड। क्लियर। और हिंदी में भी डिवोटेड। देन डिसाइड इट, किसी चीज को डिसाइड कर लेना, सॉरी डिवाइड इट, डिवाइडेड, बटा हुआ जिसे कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। हिंदी में मैंने लिखा डिवाइडेड। देन एजुकेट वर्ब है, पढ़ा लिखा कहते हैं ना, कि वो क्या बोलते हैं, अरे एजुकेटेड लोग, तो नॉट एजुकेटेड, इट इज एजुकेटेड, एजुकेटेड। मुझे मालूम है मेजॉरिटी लोग इसे गलत करते हैं, स्कूल कॉलेज में आप लोगों को ये चीज नहीं पढ़ाई गई होगी। अब मैं अगला इसका एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, और इसको रूल को फिर समझ लीजिए, मैं आपको इसको बोर्ड को क्लीन करके बताना चाहूंगा। वे वर्ब्स जिनका लास्ट लेटर टी और डी है, साथ में इनका प्रोनंसिएशन टी का टे और डी का डे है, तो इनमें डी या ईडी जोड़ने से जो ईडी बन जाएगा उसका प्रोनंसिएशन जो होगा दैट विल बी इड। कभी भी उसको एड प्रोनंसिएशन नहीं होगा, ये सही है, और अगर आपने इसको ये लास्ट में बोला तो ये गलत प्रोनंसिएशन है। आप इन शब्दों को देखिए, ठीक। आइए अब मैं आपको वे वर्ब्स बताने जा रहा हूं, वे वर्ब्स बताने जा रहा हूं जिनमें डी या ईडी जोड़ देने से इस डी या ईडी का प्रोनंसिएशन टे होता है, मीन्स ईडी प्रोनाउंस्ड एज टी मीन्स टे, जिनका साउंड टे होता है। अब ये आपको थोड़ा सा याद करने वाली बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस फॉर ए फ्यू डेज। इफ रेगुलरली यू प्रैक्टिस फॉर ए फ्यू डेज, देन सर्टेनली यू विल मास्टर ऑल दीज वर्ब्स इन विच वी प्रोनाउंस दिस ईडी एज टे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, वे वर्ब्स जिनका अंतिम लेटर क्या है, पी, लेकिन साउंड भी इसका होना चाहिए पे, देन के या के ई, साउंड भी होना चाहिए ख ख। ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जनरली हम लोग इसका प्रोनंसिएशन यही बताते हैं, क्लियर है, पर इसका प्रोनंसिएशन जैसे सी का भी अपन दो तरीके से प्रोनंसिएशन करते हैं, सी का ये से भी होता है और ये भी होता है, तो ये जनरली सी ए टी, तो इसको स्पेशली कैट कहने के बजाय खैट, हल्का सा सॉफ्ट ख, खैट खैट। क्लियर। सो इनका प्रोनंसिएशन जो होना चाहिए वो कै ख, ठीक। देन सी के भी इसी कैटेगरी में आएगा। देन अगर किसी शब्द के अंत में चे का प्रोनंसिएशन, मैं हिंदी देवनागरी में लिख रहा हूं या साउंड लिख रहा हूं सी एच का चे, इसका साउंड लिख रहा हूं पे, और इन तीनों का जो साउंड लिख रहा हूं, जो वैसे तो कह कहते हैं पर ये हल्का सा ख जैसा साउंड सुनाई देता है जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, ठीक। देन यहां पर मैंने लिखा है एफ, लेकिन साउंड इसका होगा फे, और ये फे इवन कुछ शब्दों में जीएच का साउंड भी फे होता है, जैसे कि लाफ, तो साउंड पे ध्यान दीजिए फे, ठीक है। ऐसे पीएच का साउंड भी होता है फे। तो यदि वे वर्ब्स जिनका अंतिम अक्षर का साउंड फ है,
या तो पे है या के ख देन चे एंड फे। इसके अलावा आप इन तीन को देखिए एस 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 एंड एस ई। शर्त यह कि इनका साउंड से होना चाहिए, जे अगर है तो फिर यह रूल बदल जाएगा। यदि इनका साउंड से है तो ही ईडी टे के रूप में प्रोनाउंस होगा, पर यदि इसका साउंड जे है तो फिर यह डे के रूप में प्रोनाउंस होगा। इसलिए यहां पर मैं स्पेसिफिकली इन तीन अंतिम अक्षरों को बोलना चाहूंगा एस 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 ई। इनके दो साउंड हो सकते हैं। यदि इनका साउंड से है से, तो इनके बाद ईडी जुड़ेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन टे होगा, पर यदि इन एस का साउंड या एस ई का साउंड या एस एस का साउंड यदि जे है, क्या है जे, तो ये डे होगा। ठीक। और इसके बाद देखिए ये लिखा मैंने उच्चारण से होना चाहिए, यदि इसका उच्चारण जे है तो नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपके शब्द के लास्ट में सीई या एक्स है या इवन एस एच है, यानी इनका प्रोनाउंसिएशन अगेन ध्यान दीजिएगा से शे, और एक्स में भी श आता है लास्ट में से आता है, तो फिर इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन हमेशा टी यानी टे होता है। फिर देख लीजिए मैं इस बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। हियर यू हैव टू पे योर होल अटेंशन ऑन द साउंड ऑफ ऑल दीज इंग्लिश अल्फाबेट साउंड। क्लियर। साउंड के आधार पर फॉर एग्जाम्पल पी इट्स साउंड शुड बी पे, देन के ई एंड इवन सी के। क्लियर। इनका साउंड होना चाहिए क या फिर ख, सॉफ्ट ख, खेट खेट। देन अगेन सी एच, अगेन इट्स साउंड इज क। देन साउंड इज फे, ये एफ का भी हो सकता है, ये पी एच का भी हो सकता है, और कुछ शब्दों में लाफ जैसे में सी एच का भी होता है, बट साउंड शुड बी फ। फिर अगर ई डी जुड़ा तो उसका उच्चारण क्या होगा टे टे। क्लियर है। ऐसे ही अंतिम अक्षरों में एस या डबल एस या एस ई है और इनका साउंड से है, क्या है साउंड से, तो इनमें ईडी जुड़ने पर इसका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन होगा वो टे होगा, और यदि इन एस का प्रोनाउंसिएशन जे है तो फिर ईडी का उच्चारण डे होगा। क्लियर है। ये लिख लीजिए, और यहां पर से है तो फिर ये टे होगा, और लास्ट में सीई एक्स और एस एच, इनका भी साउंड से, तो फिर सभी जगह पर ईडी का प्रोनाउंसिएशन टी यानी टे होगा, साउंड होगा क्या होगा टे। अब आइए मैं आपको डिटेल में, और ये लिस्ट हमारी जो बुक है उसके फोर्थ पार्ट में भी आपको मिलेगी, कि वे शब्द जिनके लास्ट में पी है और इसका साउंड पे है, तो ईडी जोड़ने पर इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ट, यानी ये होगा। फॉर एग्जाम्पल जम्प आपने सुना हुआ है, जे यू एम पी जम्प, रेगुलर वर्ब, ईडी जोड़ दिया तो इट इज नॉट जम्प्ड, नॉट ड, इट इज जम्प्ड जम्प्ड, और आधा पे हो जाएगा जम्प्ड जम्प्ड। देखिएगा क्लियर। होप एच ओ पी ई, ई पहले से लगा तो सिर्फ डी जोड़ो, ठीक, तो इसे hopped not de hopped, I hopped, I hoped that he would help me, उम्मीद की थी, and I hope present है, I hoped past, तो hopped not de, then help आपने सुना है, ed जुड़ा जोड़ दिया, तो not helped, he helped me, no, he helped me, he helped me। एक ऐसा मैं रूल बता रहा हूं जो आज तक 99.99% स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया गया। हां, अगर आप लिंग्विस्टिक में मास्टर्स कर रहे हैं तो हो सकता है ये सारी चीजें आपने लिंग्विस्टिक में ये सीखी। ठीक। तो इट इज अगेन हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प्ड, देन ट्रैप टी आर ए पी ट्रैप। क्या करेंगे इसको जब आगे चेंज करेंगे तो यहां पर ट्रैप्ड trapped, trapped, then escape, escape, पे लास्ट में साउंड है escape, डी इसमें जोड़ दिया गया डी, escaped,
escaped, not escaped, the some thieves escaped or escaped from jail. Clear? तो टे ये सप्ताह पी के बाद जिसका साउंड पे है तो ठीक. आइए अगला है के के यानी इनका साउंड क जिसे शॉर्ट में ख भी कई बार होता है. ठीक है कुक सुना है कुक कुक ईडी जोड़ दिया तो इट्स नॉट कुक्ड. ज्यादा तो लोग बोलते हैं कुक्ड इट्स नॉट कुक्ड इट्स कुक्ड बोलते क्या कुक्ड नॉट कुक्ड इट्स कुक्ड 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 ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में दिया. अगला देखिए आस्क पूछना. सो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन नॉट आस्क्ड नॉट डे आस्क्ड. देन लाइक सो I liked him a lot. So I liked, नहीं I liked, liked, liked him. Again आ जाइए जहां पर CH है अंतिम लेकिन इसका साउंड क शॉर्ट साउंड ख जैसे check, checked. So check में ED जोड़ा तो not checked. I have checked all the notebooks. So not checked. I have checked. Checked. Then pack कर देते ना. I have packed या I have packed the books. मैंने books को pack कर दिया है तो packed. Attack आक्रमण करना. So जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान attacked. पाकिस्तान attacked India in 1971. ये मत बोलिएगा कि पाकिस्तान attacked India. Not attacked, attacked, attacked. Then ताला लगा देना lock. I have locked the house. I have locked, locked. I have locked the house. Not locked. Then pluck फूल वगैरह को चुनना, फूल वगैरह आदि तोड़ना. Clear है? I plucked the flowers. I plucked the flowers from the garden. Then kick ED जोड़ा, kicked, kicked. Some anti-social elements. Kicked a gentleman yesterday. तो kicked, not dead. Clear है? बहुत important वीडियो में आप लोगों को ये बता रहा हूं और 99% लोग इसको गलत उच्चारण करते हैं. आ जाइए जहां CH सुना है ना reach. Clear? We reached on time. We reached or reached. Reached. Reached on time. हम समय पर पहुंच गए. Touch. He touched some naked wire. अब यहां पर मैंने देखिए एक शब्द और यूज किया तो यह भी नेक्ड नहीं है. She touched some naked wire. कि उसने कुछ जो वायर जो बिजली करंट था को छू दिया तो अगेन ये क्या है टस्ट. क्लियर. देन वॉच वॉच्ड और वॉच्ड इज टू वॉच चट. देखिए वॉच्ड. क्लियर. साथ में आपको एक वीडियो अलग से और बनाऊंगा जब हम लोग बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं और इवन नाउन्स को जब हम लोग एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो ये जो हम एस ई एस जोड़ रहे हैं इनका प्रोनाउंसिएशन जय होगा कि स होगा. क्लियर. वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. अब आ जाइए वे शब्द जिनका अंतिम लेटर का साउंड फे है चाहे ये इस एफ का हो चाहे ये पी एच का हो चाहे जी एच का हो साउंड क्या होना चाहिए फ. क्लियर है. जैसे जी एच का साउंड लास्ट में अगर है फ अगर उसका साउंड है जैसे लाफ तो ये था एल ए यू जी एच लाफ. ईडी जोड़कर इसी सेकंड थर्ड फॉर्म बना दी तो उसको लाफ्ड नहीं बोलेंगे लाफ्ट लाफ्ट और ये अमेरिकन में लेफ्ट ब्रिटिश में लाफ्ट. कॉफ खांसना कॉफ. सो कॉप्ट कॉप्ट. तो अगर जी एच आर इसका साउंड फे है ईडी जोड़ दिया गया तो इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो टे होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन रीड आवर बुक यू आम लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सर्टेनली यू विल मास्टर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द स्पोकन वर्ड्स एंड वेन एवर यू स्पीक pronounce the words correctly certainly you can influence and impress the people with your ability to communicate well. Okay,
नेक्स्ट देखिए पीएच, इसका भी साउंड क्या होगा फ, और एफ का भी होगा फ, ठीक। जैसे ऑटोग्राफ, सो ऑटोग्राफ्ट, ट ट ऑटोग्राफ्ट, क्लियर। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं, यह तो अभी तक फ साउंड हो गया। अब हम ले रहे हैं उन वर्ब्स को जिनका अंतिम अक्षर एस या एस एस या एस ई और इवन सी या सी ई है, और इनका प्रोनंसिएशन से है, ध्यान दीजिएगा क्या है से, तो फिर इनके बाद जुड़ने वाले ईडी को, जो ईडी जुड़ेगा इसे टे के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। पर यदि इनका प्रोनंसिएशन जे हो जाए तो फिर ईडी का प्रोनंसिएशन डे होगा। पहले मैं आप लोगों को इस पे देखिए, सिंगल एस, इसका प्रोनंसिएशन से है, और अगर ईडी जोड़ दिया गया तो इस ईडी का प्रोनंसिएशन टे होगा। जैसे 22 से बना हुआ है बाइस्ट, तो देखिए यहां पे मैंने दिया ट, बाइस्ट बाइस्ट, फिर इसके मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, बाइस्ट, क्लियर। अगला देखिए इसके अंदर आइए एस एस, जैसे ब्लेस, कहते ना गॉड ब्लेस यू, क्लियर, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल, सो ब्लेस्ड नॉट ब्लेस्ड, क्योंकि ये से है, तो जैसे ईडी जुड़ेगा इस से साउंड में तो ये टे हो जाएगा, क्लियर। पर अगर ये जे साउंड है तो फिर डे होगा, सो इट इज ब्लेस्ड का क्या, ब्लेस्ड ब्लेस्ड, देन प्रेस दबन, सो अगेन प्रेस में ईडी जोड़ा, प्रेस्ट प्रेस्ट, देन क्रॉस, ईडी जोड़ा, क्या बोला क्रॉस्ड, अब बोल दो क्रॉस्ड नॉट क्रॉस्ड, क्रॉस्ड क्रॉस्ड, ठीक। देन इवन एस ई का प्रोनंसिएशन यदि से क्या है से, ध्यान दीजिए, तो भी अगर ईडी जुड़ा तो इस ईडी का प्रोनंसिएशन तय होगा, लेकिन यदि इसका प्रोनंसिएशन जे है, क्या है जे प्रोनंसिएशन है, तो फिर ये ड होगा, ठीक। जैसे प्रॉमिस, सो प्रॉमिस में एस ई का प्रोनंसिएशन है से, सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगा प्रोमिस्ड, नॉट आई हैव प्रोमिस्ड, नॉट ड टे, प्रोमिस्ड, देन अगेन देखिए प्रोमिस्ड, ओके, देन कर्स, किसको शाप देना, क्लियर, सो कर्स्ड नॉट कर्स्ड नॉट डे, कर्स्ड कर्स्ड कर्स्ड, ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में रूल फॉलो होता है, ये हिंदी में लिखा, देन नर्स, नर्स आपने इसको डी जोड़कर सेकंड थर्ड फॉर्म बना दिया, पालना पोसना, सो नर्स्ड नर्स्ड नर्स्ड। अब आर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं इस बात को फिर दोहरा दूं और एक अब इसका एक्सेप्शन बता दूं, जब कभी भी किसी शब्द के लास्ट में एस 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 ई है और यदि इनका प्रोनंसिएशन से है, क्या से है, तो ईडी जुड़ने पर इस ईडी का प्रोनंसिएशन टे हो जाएगा, पर यदि इसका प्रोनंसिएशन जे है तो ईडी जोड़ने पर इसका प्रोनंसिएशन टे होगा। जैसे कि यहां भी देखिए ये एक्सेप्शन है इसका, मैं एक बार क्लीन करके आपको समझा दूं, यहां पर इसको नोट कीजिए, नॉट नॉट देखिए पढ़िए, जिन शब्दों के अंत में एस ई का उच्चारण जे होता है, चाहे वो एस में ईडी जोड़ने पर ही क्यों नहीं, ठीक है, मतलब अगर चाहे एस ई हो चाहे एस हो, पर उसका उच्चारण यदि जे है तो ईडी जोड़ने पर इनका प्रोनंसिएशन डे होगा। जैसे क्लॉज, क्लॉज क्या बनाया क्लॉज्ड, अब इसको क्लॉस्ट नहीं कह सकते आप, क्लॉस्ट नहीं होगा, क्लॉज्ड क्लॉज्ड, तो ये इसका एक्सेप्शन आ गया। देन प्लीज, किसी को खुश करना, सो ये अब इसको प्लीज्ड नहीं कह सकते, नॉट डे, प्लीज्ड प्लीज्ड प्लीज्ड। देन किसी की तारीफ करना, प्रीज, आई ऑलवेज प्रीज द पीपल, सो प्रेज की जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी ईडी लगाकर जोड़ दीजिए डी, तो क्या हो गया प्रेज्ड प्रेज्ड प्रेज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपने यहां पर सीखा है। आइए अभी से साउंड के अलावा और कौन से हैं जिनके अंत में सीई हो और इसका प्रोनंसिएशन से हो, क्लियर। जैसे अनाउंस, ईडी जोड़ा गया
तो क्या बोलेंगे, अनाउंस्ड, नॉट अनाउंस्ड, नॉट डे, अनाउंस्ड, द यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट. सो रिजल्ट मीन्स टे, अनाउंस्ड, हिंदी में देख लीजिए. देन नोटिस, आई नोटिस्ड सम स्टूडेंट्स स्टैंडिंग एट द गेट, कि मैंने गेट पे खड़े हुए कुछ स्टूडेंट को नोटिस किया. तो नॉट नोटिस्ड, नॉट डे, नॉट डे, टे, नोटिस्ड. देन कुछ समस्याओं का सामना करना, क्लियर है. सो फेस्ड, आई हैव फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स हियर. सो फेस्ड, नॉट फेस्ड, फेस्ड, क्लियर. सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए और हर उस व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए जो बहुत प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है. तो ये बेसिक चीज है, लेकिन इस बेसिक चीज को भी स्कूल्स कॉलेज में नहीं बताया गया है. इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जब से अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू करें, इन वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डी आई डी जोड़ने पर उनका सही प्रोनाउंसिएशन वो सीख सके. ठीक, आइए अगला एस एच, जिनके लास्ट में है, जैसे फिनिश, क्लियर, साउंड शेप, फिनिश, क्या बना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, 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 आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. सो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. सो आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, सब जगह पे देखिए. ओके, देन I have published several books. So far, I have written 15 books on various aspects of English language, and I have published all these books through my organization UWAM, YUWAM, UWAM. So published. देखिए ये pronunciation है published. In the same way कपड़े धोते हैं ना, clear है? So तो भाई कपड़े धो दिए क्या? तो इसको अगर बनाएंगे second form, third form का क्या बोलेंगे? Washed. I have washed all the clothes. मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए हैं. I have washed. I have washed. ठीक है, तो ये washed. Clear. ये बहुत important है. तो I have washed. अब यहां पर even अगर आपका कुछ शब्दों में थे sound है, थे, खास तौर से TH से निकलता थे, तो भी टे का होगा, जैसे बेद, मतलब थे और दे, बेद. तो बेस्ट. ठीक, अब आता है एक्स में भी गलतियां करते हैं, जैसे रिलैक्स, ठीक है, फिक्स, मिक्स, कभी भी मत बोलिए मिक्स्ड, मिक्स्ड नहीं है, मिक्स्ड, मिक्स्ड, ऐसे ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड, फिक्स्ड, देखिए ये लिखा है फिक्स्ड, मिक्स्ड, ऐसे ही आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड टूडे, नॉट रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट. आज तक आपने नहीं सीखा होगा, इसलिए मैं पुनः कहूंगा, अब हमारे YouTube चैनल युवाम गुरु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ में ज्यादातर लोगों में आप इनको शेयर कीजिए, ताकि हम सही अंग्रेजी लिखना बोलना सीख. क्लियर. अब लास्ट में बता रहा हूं कि ईडी का प्रोनाउंसिएशन वाकई में डे कहां पर होता है. अभी तक आप इस ईडी के, मैंने आपको बताया था, तीन प्रोनाउंसिएशन होते हैं. यदि किसी शब्द का अंतिम लेटर, अंतिम लेटर टी और डी आर, उनका साउंड टे और डे है, टी एंड सॉरी डी, और साउंड क्या है, टे एंड डे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इड होगा, इड. दूसरा मैंने बताया कि यदि पी, क्लियर है, पी एच, के सी एच, एस 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 एक्स, यानी है, तो फिर ये टे, क्या है, टे. और तीसरा है, अब हम लोग ले रहे हैं डे के रूप में. कब, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए कि जो मैंने आपको रूल बताया आप उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह पर ईडी का प्रोनाउंसिएशन डे होता है. यू मान लीजिए आप टीडी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा पी, यानी पे, फे, क, ख, then से, clear, then आपका x, again c का से, and s h and sh, तो फिर वो अलग होकर बाकी सब जगह पर डे है, जैसे abused, भले s e है, पर यहां पर s e का pronunciation डे है. और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये जो शब्द है a b s u, इसके दो pronunciation है,
यदि ये वर्ब है तो यह है एब्यूज, एब्यूज, और ईडी जोड़कर प्रोनंसिएशन होगा एब्यूज्ड, और यदि अगर ये नाउन है तो इसका प्रोनंसिएशन होगा एब्यूज, यानी वर्ब में जे है और नाउन में ये इसका लास्ट में से है, नाउन में से, ठीक। देन प्ले से बना, सॉरी इसमें ईडी जोड़ेंगे, प्ले से प्लीड, प्लीड, ठीक। देन फेल से फील्ड, फील्ड, लिव से लिव्ड, लिव्ड, ज्वाइन से ज्वाइंड, ज्वाइंड, ट्रेवल से ट्रेवल्ड, इन सब में ये प्रोनंसिएशन डे है, क्लियर। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल ऑफ यू, इफ यू वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इम्प्रेसिव इंग्लिश देन सर्टेनली यू मस्ट मास्टर द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। और जब से आपने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है तब से आपने एक रूल जरूर सीखा होगा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, और जिनमें हम लोग एक्शन वर्ब को यूज करते हैं तो हम लोग टाइम के हिसाब से इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, यानी वर्ब की आप लोगों ने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर सीखी है। तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो रेगुलर वर्ब में डी या ईडी जोड़ने से बनती हैं, तो इस ईडी का कितने तरीके के प्रोनंसिएशन होगा वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो को आप जरूर देखें, लोगों में शेयर करें। मैं अगले एक वीडियो में बताऊंगा यदि वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाए सिमिलर वर्ब बनाने के लिए, और यदि किसी सिमिलर नाउन को एस ईएस जोड़कर प्लूरल जोड़ा जाए तो फिर इस एस ईएस का प्रोनंसिएशन क्या होगा, कभी जय होगा तो कभी से होगा, क्लियर, कभी इज होगा कुछ जगह ईएस का प्रोनंसिएशन लास्ट में अगर जोड़ा तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। और भी ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं ताकि आप करेक्ट प्रोनंसिएशन सीख सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।